रात का काला अंधेरा है, गांव के लोग हाथों में टॉर्च लिए खेतों में भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। आप सोचेंगे कैसी अजीब कहानी है, लेकिन सच्चाई ये ही है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। यहां खूंखार भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। भेड़ियों ने अब तक कुल 7 लोगों की जान ली है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही अब तक भेड़ियों के हमलों से गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए हैं। आदमखोर भेड़ियों का खौफ करीब 30 से 35 गांव में है। भेड़ियों का पूरा झुंड कैमरे में कैद भी हुआ है। इलाके में कुल 6 भेड़ियों का आतंक था। बता दें, फिलहाल 3 को पकड़ा जा चुका है, बाकी बचे 3 भेड़ियों की तलाश जारी है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भेड़िये का जो अटैक हुआ, उस पर हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई में आई और 3 भेड़िये पकड़ लिए गए हैं, और जो 3 रह गए हैं उन्हें भी किसी भी दिन पकड़ा जा सकता है। 1-2 दिन में ही हो सकता है हमारे कुछ और भेड़िये पकड़े जाए। और जहाँ पर भी लोग रहते हैं उनके घर में हम गए, उनको समझाया, और जो भी डेथ हुई है हर एक को 5 लाख आपदा प्रबंधन से दिया गया है। गांव वालों को चेतावनी दी गई है कि वो सतर्क रहें और खासकर अपने बच्चों को सेफ रखें। 2 महीनों से लगातार इन भेड़ियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। भेड़ियों के हमलों से गांव को सेफ रखने के लिए प्रशासन ने क्या क्या किया है, आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। हमने ये लोगों को समझा रहे हैं कि मजबूत होकर रहो, घबराओ नहीं, परेशान मत रहो, अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखो। घर के अंदर सो तो दरवाजा बंद करके सो, शौचालय जो है अपने घर के अंदर जो है उसे इस्तेमाल करो, और उसके अलावा वहाँ पर ये कर दिया है कि उस एरिया की लाइट ना जाए, विद्युत कटौती ना हो। लोगों से कहा गया है कि आप लोगों को समझाते रहें कि कर्मी होकर रहो, मजबूत होकर रहो, डरो मत, घबराओ नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षा करो, बच्चों का पूरा ख्याल रखो। बता दें, भेड़िये के दांत ज्यादा नुकीले होते हैं, इससे रेबीज वायरस का खतरा बढ़ जाता है। भेड़िये के दांत बड़े और ज्यादा तेज होते हैं, जिससे गहरी चोट लगती है। ऐसे में अब भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। जिले के कतरनिया घाट के पुराने DFO रहे आकाशदीप भदावन को भी बाराबंकी से बुलाया गया है। वहीं जिला अधिकारी मोनिका रानी ने DDO, DPRO, SDM और 2 BDO समेत 16 अधिकारियों की एक टीम को निगरानी के लिए नियुक्त किया है। ये सभी अधिकारी शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। बता दें, महसी तहसील क्षेत्र में 10 मार्च से भेड़िये का हमला शुरू हुआ था। भेड़िये ने पहला शिकार मिश्रण पूर्वा गांव की एक बच्ची का किया। इसके बाद 23 मार्च, 17 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त को भी भेड़िये के हमले की खबर सामने आई, और अब हाल ही में 22 अगस्त को भेड़िये के हमले से एक बच्चे की मौत हुई है। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।